तो आज हम देख रहे हैं कि जो कल हमने विजिटिंग कार्ड बनाया था उसमें इमेज के पोर्शन को हमने छोड़ दिया था, आज इमेज के पोर्शन को डील करेंगे और हर कार्ड के ऊपर स्टूडेंट के नाम के साथ एक इमेज कैसे लगाएंगे। तो अभी हम जाके फोल्डर में देखते हैं कि हमारे पास कितने स्टूडेंट का डेटा है जिनके ऊपर हमें फ़ोटो लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक से लेके सात स्टूडेंट का डेटा है जिसमें सना, वजाहत, कृष्ण, मीना, सैयद, मोहम्मद अली, राशिद अली, काशिफ अहमद के नाम से स्टूडेंट्स के नाम है। तो हमें इतनी ही पिक्चर्स इस फोल्डर के अंदर रिक्वायर्ड होंगी जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ से गए, क्लिक किया डॉक्यूमेंट्स में। तो तरीका तो यह है कि उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पहले आप ले लें, लेकिन अगर आप किसी वजह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ नहीं हैं आपके पास तो आप उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें से मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं कि लड़कियों के कितने, एक दो लड़कियों का डेटा चाहिए, बाकी लड़कों का डेटा चाहिए। तो दो लड़कियों की फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, एक इसकी ले लेता हूँ और एक इसकी ले लेता हूँ। तो ये दो फ़ोटोज़ मैंने ले ली और कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर दिया। और उसके बाद ये जो यहाँ पेस्ट किया तो इसमें एक लड़की का नाम मैंने रख लिया सना, तो F2 करके रीनेम किया और SANA करके सना इसकी मैंने पिक्चर का नाम रख दिया। और दूसरी पिक्चर का नाम मैंने रख दिया सपोज टू बी मीना, तो MENA मीना करके मैंने इसका नाम रख दिया। अब मुझे वजाहत, कृष्ण, सैयद मोहम्मद अली, राशिद और काशिफ तकरीबन पांच लड़कों की फ़ोटो चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और पांच लड़कों की फ़ोटो के लिए मैंने एक ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और यहाँ से जाके मैंने एक दूसरी फ़ोटो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर ली जो कि हमें यहाँ मिलने वाली है। एक तो ये ले ली है हमने, ठीक है, और दूसरी फ़ोटो हमने इसकी ले ली, कंट्रोल को होल्ड कर रखा है, तीसरी इसकी ले ली, चौथी इसकी ले ली और अभी तक होल्ड कर रखा है मैंने कंट्रोल को, और पाँचवीं लड़कों में फ़ोटो अगर कोई हमें मिल रही है कंट्रोल के साथ होल्ड कर रखा है इसकी ले ली हमने। इन पांचों फ़ोटोज़ को कंट्रोल सी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। ओके, ये पांच फ़ोटोज़ मुझे यहाँ मिल गए, मैं न्यू बैकग्राउंड वगैरह। अब मैं इनके साथ करने ये वाला हूँ कि मैं इनको रीनेम करके वन कर देता हूँ और रन वन किया तो इसका खुद ही नाम इसने 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 कर दिया। पाँच फ़ोटोज़ हैं, मुझे फ़ोटोशॉप पर काम करने में आसानी होगी। मैंने फ़ाइल को ओपन किया यहाँ से और क्लिक करके ओपन करके मैं उसी फोल्डर में इंटर हो गया कंट्रोल सी करके और यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ से जाके मैंने देखा तो पहले वाला फ़ोटो ले लिया। अब लेट सपोज अगर मुझे इसका ये वाला हिस्सा रिक्वायर्ड है, पूरा फोटो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना है? इस पर क्लिक किया, ओके किया और यहाँ से क्लिक करके सिलेक्शन टूल लेके मैंने कुछ इस तरीके से इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी करके कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल ली। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप यहाँ से ग्रे कलर ले लेंगे, सपोज टू भी यहाँ पर ग्रे कलर ले लेंगे तो अगली नेक्स्ट आप जो अपना इमेज लेंगे उसमें ब्लैक ग्रे ही कलर यूज़ कर सकेंगे, कलर्स यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर मेक श्योर कर लें कि RGB आपने सेलेक्ट किया हुआ हो। और जैसे ही इसको ओके करा मैंने और ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, इसको यहाँ से अनलॉक किया बैकग्राउंड को, उसको ओके किया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और फाइल में जाके मैंने यहाँ से सेव फॉर वेब या सेव एज कर दिया। और यहाँ से क्लिक करके मैंने इसको PNG या JPG फॉर्मेट में सेव करना था तो मैंने वही फॉर्मेट ले लिया। सपोज टू बी अभी नेक्स्ट पिक्चर्स मेरी JPG में है तो मैं यहाँ से JPG का फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो JPG का फॉर्मेट लेने के बाद मैंने इसका नाम रखा सपोज टू बी कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वजाहत के नाम से, तो इसका नाम मैंने रख दिया वजाहत और इसको मैंने पिक्चर को सेव कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो एक स्टूडेंट का पिक्चर मैंने बना लिया। कंट्रोल W करके मैंने फाइल को क्लोज़ किया, यहाँ से भी इसको क्लोज़ किया, कंट्रोल W करके इसको भी क्लोज़ कर दिया, कंट्रोल O करके ओपन किया, यहाँ से इसको वन पे लिया और यहाँ से क्लिक करके ओके कर दिया और इस पर क्लिक करके इस पिक्चर को मैं ये पिक्चर बिल्कुल सही है, इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही यूज़ हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल W करके क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से इसी फोल्डर में जाके इस पिक्चर का नाम जो कि ये पिक्चर है इसको मैं यहाँ से व्यू में जाके एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स पर देख लेता हूँ, उस पर क्लिक करके F2 का बटन दबा के रीनेम कर लेता हूँ और इसका नाम राशिद रख देता हूँ और ये पिक्चर का नाम राशिद हो गया। R कैपिटल कर दिया था, स्मॉल कर दिया मैंने दोबारा से रीनेम करके, ठीक है, तो ये भी हो गया। तीसरी पिक्चर है जो हमारी मीना की पिक्चर भी ठीक है, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। और अगली पिक्चर की तरफ हम चलते हैं, उससे पहले जो हमारे पास अगली पिक्चर है ये वाली पिक्चर को देखना है 1 2 के ऊपर। तो यहाँ से गए कंट्रोल ओ किया और ओपन करने के बाद 1 2 पिक्चर को ओपन किया, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से इस एरिया को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, कंट्रोल W करके क्लोज़ किया, कंट्रोल N करके न्यू फाइल ली, यहाँ से RGB मोड पर रख के इसको ओके कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल V करके प्रेस किया, अनलॉक किया, इसको ओके किया और इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अल्टर F करके फाइल के मेन्यू में गए, यहाँ से सेव एज कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके आपने वही JPG का फॉर्मेट चूज़ कर लिया और इसका नाम रख दिया
एम अली, ठीक है, एम अली के नाम से हमने इसको सेव कर दिया और इसको ओके कर दिया, ओके करके सेव कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू करके क्लोज कर दिया, नो करके सेव कर दिया। अब अगली पिक्चर में हमें जो नाम रिक्वायर्ड है वो ये वाली पिक्चर है 1 3, तो फोटोशॉप में आके कंट्रोल ओ किया, कंट्रोल ओ करके 1 3 पिक्चर को ओपन किया। अब हमें जो अगले नाम पे सेट करना है नाम, वो है यहाँ पे जाके देखना है कि किसके नाम से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वजाहत के नाम से हो गया, मोहम्मद अली के नाम से हो गया, राशिद के नाम से हो गया, काशिफ अहमद के नाम से कर लेते हैं। तो इस पिक्चर को हमने यहाँ से पहले अनलॉक किया, इसको ओके किया, सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल डब्ल्यू किया क्लोज करने के लिए, नो किया, कंट्रोल एन किया और यहाँ से जाके इसको ओके कर दिया, कंट्रोल वी किया, इसको यहाँ से इसको डबल क्लिक करके अनलॉक किया, ओके किया, इसको डिलीट किया, क्लिक किया, अल्टर एफ किया, सेव एज किया, यहाँ से हमने क्लिक किया, फिर इस पर यहाँ पर उसी फोल्डर के अंदर जेपीजी के नाम से हमने इसको क्रिएट किया, जेपीजी पे क्लिक करके इसको हमने बनाना था काशिफ अहमद, तो मैंने काशिफ अहमद मिला के ही लिख दिया और इसको सेव कर दिया और ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। कंट्रोल डब्ल्यू किया, नो किया, क्लोज कर दिया, कंट्रोल ओ किया, अब नेक्स्ट फाइल हमारे पास थी 1 3 के बाद 1 4। ये पिक्चर भी सही है, इसी तरह से लग जाएगी, थोड़ा सा फेस इसका क्लियर नहीं है, थोड़ा कम करते लेकिन चला लेते हैं। और इस पिक्चर को हम यूज़ कर लेते हैं किसके लिए, सैयद के लिए भी होगी, राशिद के लिए भी होगी, वजाहत के लिए भी होगी, कृष्ण कुमार के लिए। तो इसको यहीं पर रीनेम कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया कृष्ण, चाहे तो कुमार भी साथ लिख सकते हैं। तो ये फोटोज़ आपने अपनी अरेंज कर ली और मैनेज कर ली। अरेंज और मैनेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपने जो एक्स्ट्रा फोटोज़ हैं उनको डिलीट कर देना है, मतलब जिनके नाम रख लिए वो रखना है, जिनके नाम नहीं रखे उनको डिलीट कर देना है। मतलब ऑल दीज फोटोज़ आपके लिए किसी काम की नहीं है, तो इन तीनों को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये फोटोज़ डिलीट हो गई। अब मेरे पास उसी फोल्डर में जहाँ पर मेरे एक्सेल की फाइल है, एसटीडी डेटा की फाइल है और तमाम स्टूडेंट की पिक्चर्स भी मौजूद हैं विद देयर नेम्स, विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। अब मैं अपनी एक्सेल की शीट को खोलूँगा। और यहाँ पर पहुँच के मैं एक कॉलम क्रिएट करूँगा IMAG इमेज के नाम से। क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने फोटोशॉप में भी एक लेयर बनाई है लेकिन यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा है फ़ोटो। सो या तो मैं इसको इमेज कर दूँ या फिर इसको फ़ोटो कर दूँ। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फ़ोटो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसका नाम फ़ोटो रखा है। तो FPHOTO फ़ोटो, स्मॉल लेटर्स में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में। उसके बाद पहले स्टूडेंट की पिक्चर लगानी है, सना लियाकत। तो सना की पिक्चर के लिए हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, अल्टर टैप करके सना की पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि उसकी टाइप भी सामने नज़र आ रही हो, अगर नहीं आ रही है तो व्यू में जाएंगे और फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अगर आप फाइल नेम एक्सटेंशन से चेक हटाएंगे तो फाइल का नाम नज़र आएगा पर उसकी टाइप नज़र नहीं आएगी। तो फाइल नेम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और अब सना की पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर F2 का बटन दबाएंगे या राइट बटन दबा के रीनेम करेंगे और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा नाम आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे, अल्टर टैप करके यहाँ आएंगे और यहाँ पर उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। दैट्स द फंडा, ठीक है। अब वजाहत की पिक्चर पे जाएंगे, W दबाएंगे तो ये आ गए वजाहत की पिक्चर पे। मैं इसको कीबोर्ड से ही कर लेता हूँ। F2 रीनेम, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी, अल्टर टैप यहाँ आए, कंट्रोल V पेस्ट, अल्टर टैप फिर यहाँ आ गए। नेक्स्ट पिक्चर किसकी लगानी है हमें इसके ऊपर? नेक्स्ट पिक्चर लगानी है हमें कृष्ण की, तो कृष्ण काशिफ आ गया, कृष्ण की पिक्चर ये रही। F2 रीनेम, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया, कंट्रोल V कर दिया तो कृष्ण कुमार आ गया। मीना कुमारी की फ़ोटो लगानी है तो यहाँ पे हमने M दबाया तो एम अली आ गया। F2 रीनेम, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी, यहाँ पे गए, कंट्रोल V पेस्ट, ओके। फिर उसके बाद अगला कौन है हमारे पास? सैयद मोहम्मद अली, तो यहाँ पे क्लिक किया, F2 सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी और रीनेम के बाद यहाँ पे क्लिक करके एफ पेस्ट कर दिया उसकी पिक्चर को उसके आगे। उसके बाद राशिद अली की पिक्चर को लगाना है तो राशिद की पिक्चर पे आ गए, F2 रीनेम, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। काशिफ अहमद की पिक्चर को लगाना है तो काशिफ अहमद पर आया, F2 रीनेम, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे आके कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। और इस तरह से आपने सारे डेटा को फिल कर दिया और फर्दर नेक्स्ट स्टूडेंट के डेटा को भी आपने ऐसे ही डील करना है। कंट्रोल S करके फाइल को सेव किया, फाइल में वंस अगेन गए और यहाँ से जाके एक्सपोर्ट किया और यहाँ से चेंज फाइल टाइप पे क्लिक किया और फिर नीचे आके वही टेक्स्ट टैब टेलीमेट्रिक पे क्लिक किया और यहाँ से आके सेव एज़ पे क्लिक किया और उसी फाइल को जो आपकी इस फोल्डर में सेव है उसको अपडेट कर लेना है STD डेटा को और यहाँ से इसको सेव कर लें और यस कर दें। ये फाइल उस सूरत में अपडेट नहीं होगी, टेक्स्ट वाली फ़ाइल, अगर वो पहले से खुली हुई है और आप ओपन करके इसको अपडेट करेंगे तो नहीं होगी। पहले टेक्स्ट फाइल को क्लोज़ कर लें फिर आप इसको जब अपडेट करेंगे तो वो हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी एक्सेल की फ़ाइल को भी क्लोज़ कर लें और ये आपका काम हो चुका है। अब इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं, मैं पिछले वाले जो PhD कार्ड्स बनाए थे मैं उनको डिलीट करने लगा हूँ और डिलीट करके उनको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मेरा इसमें PhD कार्ड कोई भी नहीं है माय सिवाय मेरी सोर्स फाइल के।
अब हम आएंगे फोटोशॉप में और इस फोटो को इस पर कैसे अरेंज करना है इसको देखेंगे। वंस अगेन हम जाएंगे फार्मूला में और यहाँ से वेरिएबल में और पैलेट क्लिक करेंगे डिफाइन पे। तो डिफाइन में हमने ये वाला लेयर छोड़ दिया था फोटो वाला, फोटो वाले को विजिबिलिटी करेंगे और सॉरी विजिबिलिटी नहीं करेंगे, पिक्सल रिप्लेसमेंट करेंगे फोटो के साथ। यानी कि ये हमारी फोटोशॉप की फील्ड है और ये हमारी एक्सेल की फील्ड है फोटो, जिसका नाम रखा था PHOTO फोटो। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको फिट करेंगे और इसको जैसी ओके करेंगे तो ये इसके साथ बाइंड हो जाएगी। वंस अगेन फिर इमेज में जाएंगे, फिर वेरिएबल्स पर क्लिक करेंगे और फिर डेटा सेट्स पर क्लिक करेंगे। वंस अगेन डेटा सेट जब आ जाएगा तो यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सोर्स करेंगे, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके वही टेक्स्ट फाइल को वंस अगेन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको लोड करेंगे। जैसे ही लोड करेंगे आप इसको तो ये यहाँ पर आ जाएगा और देन ओके करेंगे तो ये इसके साथ अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। वंस अगेन ओके करने के बाद यहाँ से जाएंगे अप्लाई डेटा सेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई डेटा सेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक एक की पिक्चर आपको दिखाई देने लग जाएगी अगर आपका प्रीव्यू एक्टिवेटेड है। तो जैसे ही प्रीव्यू एक्टिवेटेड है तो ये आपको पिक्चर्स भी दिखाई दे रही हैं और टेक्स्ट भी दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप इसे काम कर सकते हैं। अगर आपका कुछ टेक्स्ट आगे जा रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो फर्दर अप्लाई करके आप उसको टेक्स्ट को यहाँ से डील करके कंट्रोल टी करके मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसका नाम मैनेज थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो आप इस पर क्लिक करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको या तो लेफ़्ट के साथ थोड़ा सा पीछे ले लें ताकि नाम कुछ पीछे से नज़र आए, थोड़ा बड़ा नाम है, और अगर इसको थोड़ा छोटा करना है तो ऑल्टर शिफ्ट के साथ भी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से नज़र आने लग जाएगा। तो आप सारे नाम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इनको छोटा करना है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबा दें, ऑल्टर शिफ्ट का बटन दबा दें और इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा दें तो ये ऐसे नज़र आएंगे। और अगर मैं सबको ही ओवरऑल छोटा करना चाह रहा हूँ तो फिर इसके साथ इसको ले लें कंट्रोल के साथ, इसके कंटेनर को भी कंट्रोल टी दबाएँ तो इनको थोड़ा और छोटा करके इस तरह से दिखा सकते हैं ताकि ये इस पर प्रॉपरली इस तरह से नज़र आ सकें और ये आपके डिज़ाइन का बेहतर पार्ट बन सकता है। तो यहाँ पे सैयद मोहम्मद अली जो हमारा नाम था थोड़ा बड़ा था, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि थोड़ा उससे अलग नज़र आए, और इस पर टेक्स्ट जो हमने कंटेनर बनाया था इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि ये इससे थोड़ा सा पीछे नज़र आए। और अब भले हम नाम को थोड़ा सा इस साइड करके भी दिखा सकते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं अपने डेटा को, ठीक है। अब आती है सवाल दोबारा से, अब अलग अलग इनके कार्ड बनाने हैं। तो जैसे हमने कल बनाए थे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, डेटा सेट एज फाइल, और इस पर क्लिक करेंगे और कह रहा है कि कैसे बनाना है। तो मैंने वही तरीका रखा, वन पहले ले लिया डेटा सेट का नंबर 1 2 3, फिर उसके बाद अंडरस्कोर यूज़ करा, फिर उसके बाद डेटा सेट का नाम यूज़ किया तो इस तरह से बन गया। अब सेव कहाँ करना है डेटा, तो वही सिलेक्ट फोल्डर में मैंने उसी फोल्डर का लिंक बता दिया। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना रहा हूँ ताकि मैं कार्ड उसमें ले लूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक न्यू फोल्डर पे होम में गया, यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, ऑल PSD कार्ड लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा आ जाए। F2 रीनेम ऑल PSD कार्ड्स, ठीक है। ये मैंने एक फाइल फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर के अंदर चला गया। इसका पाथ मैंने यहाँ से क्लिक किया, कॉपी किया कंट्रोल सी की मदद से, और यहाँ पर आके मैंने उसको यहाँ पे बता दिया कंट्रोल वी की मदद से, एंड देन ओके कर दिया और ये पूरी सेटिंग रख के ओके कर दी। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये बाय नेम बाय इमेज सारे कार्ड्स को दोबारा से प्रोड्यूस कर देगा और उनको उस फोल्डर में स्टोर कर देगा। लेट चेक तो उसने ये काम कर लिया या नहीं। तो ये देखें उस फोल्डर के अंदर सातों इसने कार्ड्स बना दिए हैं और सातों अलग अलग हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक रैंडम कार्ड लेते हैं सैयद मोहम्मद अली का और इस पर रखते हैं। तो देखें सैयद मोहम्मद अली का कार्ड में उसी का फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो दूसरा कार्ड लेते हैं यहाँ पे राशिद अली का, तो यहाँ से पकड़ के यहाँ रखते हैं। तो देखें उसमें राशिद अली का फ़ोटो लगा हुआ है और यहाँ से हम हटा देते हैं। और इसके बाद अगर हम सना का लेते हैं तो देखें सना में सना का फ़ोटो लगा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हमने फ़ोटोज़ भी इसके ऊपर लगा ली। अब आखिरी तरीका ये है कि ये PSD फाइल तो हम उसको भेजेंगे नहीं, हमें तो चाहिए PNG फाइल्स। तो PNG फाइल्स प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है, तो हम उसके लिए तरीका ये है कि इसके साथ ही ऑल PSD के साथ एक और फोल्डर बना लेते हैं ऑल PNG या JPG फाइल्स का, ठीक है, जिसके अंदर हमें इन्हीं कार्ड्स की PNG JPG फाइल्स चाहिए, यानी कि इमेज फाइल चाहिए, ना कि हमें फ़ोटोशॉप की फ़ाइल चाहिए। PSD फाइल फ़ोटोशॉप की होती है जो कि सोर्स फाइल कहलाती है, उसमें आप हर तरह का चेंज कर सकते हैं। PNG फाइल फ़ोटो फाइल होती है जो कि स्टैंडर्ड फ्री फाइल होती है जो कहीं भी शेयर की जा सकती है इजीली। तो उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे अभी देखते हैं। अब आएंगे फ़ोटोशॉप के अंदर, फाइल में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे ऑटोमेशन में, और ऑटोमेशन के नीचे आ रहा है स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा इमेज प्रोसेसर्स का। जैसे ही आप इमेज प्रोसेसर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब देखें ये आपसे क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है कौन सी फाइल्स हैं वो आप पहले सोर्स वाले में बता दें। कैसे बताएंगे आप,
जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर की लोकेशन डालनी है। तो फोल्डर की लोकेशन ये है कि हमारी PSD फाइल्स जो हैं वो इस फोल्डर के अंदर हैं, और इसमें जाने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल सी दबाया और यहाँ से पाथ कॉपी करके कंट्रोल वी दबाया, यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो PNG फाइल्स या JPG फाइल्स तुम बनाओगे वो कहाँ सेव करोगे। तो हम यहाँ से पीछे आए बैक करके और यहाँ पर हम चले गए आल PNG JPG फाइल्स के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे क्लिक किया हमने, इसके पाथ को कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ सेलेक्ट फोल्डर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके उसको हमने पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई ठीक है, जो तुम फाइल बनाना चाह रहे हो क्या तुम उसे सेव एज JPG के नाम से सेव करना चाहते हो टाइप में। हमने कहा हाँ, हमें JPG बनानी है। रीसाइज़ टू फिट भी करना चाहते हो तो विड्थ और हाइट बता दो। विड्थ हाइट मतलब अगर हमें कोई प्रॉपर साइज़ में रखना है, जिसे हमने विड्थ हाइट रखी थी 3.6 बाय 2.2, तो इस तरह बता सकते हैं, लेकिन अभी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने कार्ड को उसी साइज़ में बना रखा है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर कोई डिफरेंट साइज़ के फ़ोटोज़ हैं PSDs के और उनको JPG में कन्वर्ट करना है, तो हम प्रॉपर साइज़ बता के उसमें भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो यहाँ पर अभी हम रीसाइज टू फिट नहीं बता रहे, कह रहा है अगर आपको PSD बनानी है तो PSD बना लो, टिफ बनानी है तो टिफ बना लो, तीन ऑप्शन हमें दे रहा है। तो हमने कहा ठीक है, इट्स ओके कर देते हैं और इसको हम यहाँ से कहते हैं रन। जैसे ही हम इसको रन की कमांड देंगे, ओके, ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर और ऑल PNGs पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखें, इसने एक और फोल्डर बनाया है JPG का उसी फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर इसने ये सारे कार्ड्स आपके बना के दे दिए। सही है, समझ में आ गया। तो ये आपका टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जब भी आपको इसमें चेंज करना है तो वही प्रोसेस को आपने रिपीट करना है और इसको इस तरह से प्रोड्यूस करा देना है। तो इस तरह PSD से आप PNG भी क्रिएट कर सकते हैं, JPGs भी क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह ये हमारा पूरा जो असाइनमेंट था ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।